हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, और यूट्यूब चैनल रीइंस्टेटेड, जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा चैनल जो है फिर से वापस आ चुका है। अब इसके बाद से आप लोग लगातार कमेंट करें, लगातार मैसेज कर रहे हैं कि चैनल क्यों टर्मिनेट हुआ था, क्यों डिलीट हुआ था, इसका क्या रीज़न है, क्या किसी ने मास रिपोर्टिंग किया था या फिर कोई अदर रीज़न है, और कैसे वापस आया। मतलब कि बहुत सारे आपके मन में अब सवाल उठने लगे हैं, तो जो जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत से लोग हमारे चैनल को लेकर के परेशान थे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि आप लोग मेरे लिए इतना परेशान थे, ठीक है। जितना मैं परेशान नहीं था, उससे भी आप लोग परेशान थे। मैं इसलिए परेशान नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रियलिटी जानता था, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुआ था, इस वजह से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। और जो लोग मुझसे मैसेज पूछ रहे थे, मैं साफ कह रहा था कि आज जो है चैनल वापस आ जाने की उम्मीद है, आज चैनल वापस आ जाना चाहिए। मैं सभी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों मैसेज पड़े हुए हैं, इतने लोग परेशान थे कि चैनल क्यों डिलीट हो गया, चैनल क्यों शो नहीं कर रहा है, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। सबको एक एक रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनको मैं रिप्लाई दिया हूँ सबको यही बोला था, कल बोला था कि मतलब कल तक जो है चैनल वापस आ जाना चाहिए। आज सुबह भी कई लोग बोले कि आज हो गया, अभी तक वापस नहीं है, तो मैं वही बोला आज आ जाना चाहिए, आज शाम तक, आज यही लेकर रिप्लाई दिया। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है चैनल वापस आ चुका है। और दूसरा सवाल ये है, पहला सवाल यही है चैनल क्यों टर्मिनेट हुआ, इस पर बात चर्चा कर लेंगे। दूसरा ये है कि मैंने किसी से कोई हेल्प क्यों नहीं मांगा। तो फ्रेंड्स, ये बात आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट टाइप का हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने का प्रयास नहीं करता हूँ, किसी के आगे मैं हाथ नहीं जोड़ता हूँ, ठीक है। मेरा नाम ही विनय निर्भीक समझ सकते हैं, और आप जानते हैं मैं भेड़ चाल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं उनसे हेल्प मांगने क्यों जाऊँ। ऐसा नहीं यूट्यूब पे केवल वही लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन हेल्प मांगूँ क्यों। जब मैं बोला ना कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो यूट्यूब ज़रूर मेरे चैनल को वापस कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्या फिर से ऐसा हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब है क्या करता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब चैनल एक साथ उठाता है, रिमूव मार देता है, ठीक है। बस थोड़ा सा कंप्लेन आया, बिना कंप्लेन कुछ भी दिखा, वो मार देता है रिमूव, ठीक है। तो ऐसा ही मेरे चैनल के भी साथ हुआ था, बट जब मैं कल अपील किया तो यूट्यूब ने लगभग कह सकते हैं कि 20-22 घंटे का समय लिया उसको रिव्यू करने का, फिर तुरंत चैनल ओपन हो गया। कल 7 बजे लगभग मेरा चैनल जो है अचानक रिमूव हुआ था, और मैं 9 या 9:30 बजे कल रात में अपील किया था, ठीक है। और आज 6:14 पे जो है चैनल फिर से ओपन हो गया है, ईमेल फिर से आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा है, जिसके वजह से ऐसा हो पाया कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग मन में दुआ कर रहे थे भगवान से, मतलब मन्नत मार के चैनल वापस आ जाए, क्योंकि आप ही लोग हुआ है फ्रेंड्स, जो भी है आप ही लोग के वजह से, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यूट्यूब पर नहीं होता, सब कुछ आप ही लोगों की देन है, आप ही लोग के बदौलत हुआ है, जिसमें कुछ खास लोगों का सहयोग रहा है, जिनका मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि चैनल क्यों टर्मिनेट हुआ, बाकी तो मैं बता ही दिया कि क्या फिर से ऐसा हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है। मैंने किसी से कोई हेल्प क्यों नहीं मांगा, यही बता दिया, क्योंकि मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुआ था, यूट्यूब ने थोड़ा सा गलती कर दिया जो चैनल अचानक रिमूव कर दिया बिना किसी वार्निंग के, ठीक है। और उसके पीछे का भी रीज़न बताऊँगा, क्यों गलती किया, किसने मतलब रिपोर्ट किया, क्या हुआ, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब उनके सजेशन भी दूँगा, जो लोग ऐसा करने का प्रयास किए हैं उनके लिए सजेशन भी इस वीडियो में मिलेगा, मैं और कुछ किसी को नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन जो मतलब धन्यवाद के स्पेशल हकदार हैं वो लोग हैं ये सामने, जैसे ये पावन भाई, ठीक है, ये इनका नाम पावन है, पौंजो भी कह सकते हैं। तो ये मतलब सबसे अधिक परेशान थे, बार बार मुझे मैसेज करते, कई बार मुझसे अपडेट मांग रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, कोई फीडबैक आया, तो मैं इनको कई बार बताया कि अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया है, आज शाम तक जो है हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक है। तो इनको मैं कई बार बताया, सबसे अधिक परेशान थे, और ये लगभग सभी इस कैटेगरी के यूट्यूबर से अपील किए हैं मेरे चैनल के लिए, सपोर्ट के लिए, लेकिन शायद किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और जो रिस्पांस है वो निगेटिव रिस्पांस दिए। क्यों? क्योंकि सच्चाई आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैं बोला ना कि मैं भेड़ चाल में नहीं चलता हूँ, और कहीं ना कहीं उन्हीं लोग की देन है, मैं नाम नहीं लूँगा डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग जानते हैं किनकी देन है, किसके चैनल डिलीट हुआ था, ठीक। तो और ये अचानक हुआ क्यों? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कल जो ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें साफ साफ ये लोग पकड़े गए, जो लोग जुलाई का मतलब बवाल मचा रखे थे। मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि जुलाई में ग्रुप डी एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, जो भी होगा 15 अगस्त के बाद ही होगा, उससे पहले इम्पॉसिबल है। मतलब जुलाई नहीं, मैंने 15 अगस्त तक का दावा कर लिया था कि 15 अगस्त तक इम्पॉसिबल है, उसके बाद स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है एजेंसी के स्पीड पर,
मैं यही कहा था, और मैं क्या कहा था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे अक्टूबर की दिख रही है, लेकिन वाकई में TCS ने बहुत ही फास्ट काम किया है। मतलब जितना मैं बहुत कम परसेंट उम्मीद किया, मैं आपसे कह रहा था 15 के बाद 1-2% चांसेस है, ठीक है, मैं हर एक बात एक्सेप्ट करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मान लो अगर मैं सच आज नहीं बोलूँगा तो कल कहीं ना कहीं सच सामने आ जाएगा। मैं कल भी ये बात एक्सेप्ट किया था कि मैं बोला था 15 अगस्त तक 100% आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, उसके बाद थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, और अक्टूबर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन ये यूट्यूबर्स जो जुलाई का हल्ला मचाए हुए थे, ये हर महीने आपका एग्ज़ाम कराते हैं, और जब ऑफिशियल नोटिस आ गया तो ये पूरे धड़ाम से गिर गए। अचानक इनके सब्सक्राइबर्स डाउन होने लगे, क्यों? क्योंकि इनकी सच्चाई में कल के वीडियो में खोल के रख दिया था एकदम कि फ्रेंड्स ये लोग हर महीना हर हफ्ता एग्जाम कराते हैं, इनका कोई नया बात नहीं है, और अब ये ऑफिशियल नोटिस एग्जैक्टली आ चुका है तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, क्यों 15 अगस्त के बाद हो रहा है, क्यों जुलाई में नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इन लोग को थोड़ा ज़्यादा बुरा लग गया, और लोग नहीं कोई एक दो है, आप समझ सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसे मतलब हमसे ज़्यादा जलन है। तो मैं इनके लिए यही सजेशन दूंगा कि भाई अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो किसी से जलना छोड़ दो, खुद के अंदर वो टैलेंट लाओ कि आपको उसके पीछे ना पड़ना पड़े, उसको ना देखना पड़े, यानी जो भी आपसे आगे चल रहा हो, आपको खुद आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी को टांग पकड़ खींचना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिसके पास टैलेंट है ना, उसके पास आप कितना भी टांग पकड़ खींचोगे वो ज़रूर आगे निकलता जाएगा, जब उसका टांग छोड़ोगे तब वो आगे निकलेगा। यानी कहने का सेंस ये है, अगर वाकई में आज मेरा चैनल परमानेंटली डिलीट हो गया होता तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास वो टैलेंट है, मेरे पास वो मतलब स्टूडेंट बेस है कि मैं फिर से चैनल ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ, और जो एक बार गलती होती है तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ, इन लोगों की तरफ बातों को बनाता नहीं हूँ, बहाने नहीं करता हूँ। ये लोग आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, आपको मालूम होगा यूट्यूब पर 99.99% लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई में ही करा रहे थे, करा नहीं रहे थे 100% दावे भी कर रहे थे, कोई ईमेल रिप्लाई दिखा रहा था, कोई ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा था, कोई न्यूज़पेपर कटिंग दिखा रहा था, कोई कुछ दिखा रहा था, कोई ITI रिप्लाई तक दिखा रहा था, ठीक है। और इससे पहले तो काफ़ी एजेंसी को लेकर हल्ला उठा था, कोई NSCIT से करा था, कोई MEL से करा था, मैं आपसे एजेंसी के बारे में बोला था लगभग 3-3.5 साल पहले से, यानी जब नोटिफिकेशन है तभी, कि एजेंसी को लेकर आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल डाउट में नहीं रहो, आपका एजेंसी केवल कौन है वो TCS है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में एक खास बंदे का नाम लेना भूल गया हूँ, ठीक है, एक बंदा मेरे बिना कहे सपोर्ट किया, शायद उसको पवन भाई कहे हैं, वो बंदा है सूरज नाम का, जिसका एक नया चैनल है, प्लीज़ आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, चैनल का नाम है बेसिक मैथ साइको सूरज, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड्स, आप लोग जरूर उसे सपोर्ट करें अगर आपके मन में जरा सा भी मेरे लिए रिस्पेक्ट है तो, क्योंकि वो बंदा बहुत प्रयास किया अपनी तरफ से, अभी चैनल न्यू है, छोटा चैनल है, बट कहते हैं ना कि अगर आप प्रयास करें सक्सेस जरूर होते हैं, ठीक है। भले उनका मतलब कह सकते हैं कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाया, बट उन्होंने अपने से भरपूर प्रयास किया कि बड़े यूट्यूबर्स तक उनकी बात पहुंच जाए, जबकि मैंने बोला ना मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि मैं जानता था मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे चैनल वापस हो ही जाएगा, और किसी से हेल्प मांगने का मतलब है कि अभी ये कहेंगे मेरे पास गिड़गिड़ाने आ रहा, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं किसी से गिड़गिड़ाने नहीं गया, और आप जानते हैं मैक्सिमम भेड़ चाल वाले ही लोग हैं जो आपको हर महीने गुमराह करते हैं, हर महीने एग्ज़ाम कराते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही होता है, ठीक है। इसलिए मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगा, लेकिन दो लोग को स्पेशल थैंक्स है, ये पवन भाई और एक जो मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बेसिक मैथ्स साइको सूरज, ठीक है। सूरज भाई को भी स्पेशल थैंक्स, उन्होंने मेरे ऐप पर मेरा फोटो भी मांगा था, मैंने उनको कोई फोटो नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं बोला ना मैं हेल्प नहीं चाहता था, बट फिर भी उन्होंने मेरा हेल्प करने का बहुत प्रयास किया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिना कहे कोई सपोर्ट में आ रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो उससे बड़ा इंसान कौन हो सकता है, ठीक। ये जो पवन एक दो बार नेगेटिव कमेंट किए, बोले तुम अक्टूबर बोले थे, तो मैं इनसे फिर से कहता हूँ कि भाई मैं अक्टूबर एग्जैक्टली नहीं बोला था, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं हर बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्यूचर की 100% गारंटी नहीं ले सकता हूँ, जहाँ तक गारंटी होती तक बोल देता हूँ, मैं 15 अगस्त तक गारंटी लिया था 15 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो नहीं हुआ, मैं आगे केवल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, मुझे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अक्टूबर की दिख रही है, क्योंकि उस टाइम जब मार्च में नोटिस आया था तो लोग जुलाई लास्ट तक बोले थे, अगस्त तक बोले थे, लोग 4 महीने जोड़े थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं भी 4 महीने जोड़कर चल रहा था कि जब जून में टेंडर फाइनल हुआ है तो अक्टूबर तक मान के चल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन TCS वाकई बहुत फास्ट निकला है, तो TCS भी थैंक्स के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, ठीक है। और बाकी जो लोग लगातार परेशान थे वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान से दुआ किए हैं कि मेरा चैनल वापस आ जाए, और जो कुछ हेटर्स हैं वो हेट करते रहेंगे, जेलस फील करते रहेंगे, उनकी बात ही अलग है। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर मैं कोई गलती नहीं करूँगा, कोई कितना भी चैनल मेरा रिपोर्ट कराए, कुछ भी कराए, मेरा चैनल नहीं डिलीट होगा, ठीक है। वो एक बार दो बार में तीन बार जरूर वापस आ ही जाएगा, फिर देखिए क्या हुआ, डिलीट हुआ, फिर एक दिन में वापस आ गया, मेरा 23 घंटे का नुकसान हुआ, 22 घंटे का नुकसान हुआ, और क्या, कोई बात नहीं है,
आप इसी से खुश रहो। अगर आपको लगता है किसी को पीछे करके आगे बढ़ जाओगे तो बढ़ते रहो, लेकिन मैं बता दिया ना कि किसी को पीछे करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने अंदर टैलेंट लाओ ताकि आप आगे बढ़ सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।